सब्सक्राइब कीजिए बाग बगीचा चैनल को और समय पर जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाग बगीचा में। मैं हूं अशरफ। अगर आप एक गार्डनर हैं या तो फिर प्लांट के शौकीन हैं तो आपको भी मेरी तरह बोनसाई प्लांट बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, और आप चाहते होंगे कि आप भी कुछ बोनसाई प्लांट खरीद के लाएँ और अपने गार्डन में ऐड करें और अपने घर की और गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगाएं। लेकिन बोनसाई प्लांट में कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि हम पूरा नहीं कर पाते और जिस वजह से हम अपने गार्डन में बोनसाई प्लांट को ऐड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा कमी यह है कि अगर हम किसी प्लांट को बोनसाई शेप में लाना चाहें तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। काफ़ी सालों के बाद एक प्लांट अच्छा बोनसाई प्लांट बन पाता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा आर्ट का काम है, कला का काम है, जो कि हर किसी से नहीं हो पाता। और अगर हम किसी प्लांट को नर्सरी से या मार्केट से या ऑनलाइन बाय करके लाते भी हैं और उसे हम अपने गार्डन में ऐड करना चाहते भी हैं तो उस समय हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, जिस वजह से हम उसे खरीद नहीं पाते। काफ़ी महंगे बोनसाई प्लांट बिकते हैं जिस वजह से हम उसे खरीद नहीं पाते। और अगर हम किसी प्लांट को खरीद के अपने गार्डन में ऐड भी कर दें तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तभी हमें एक अच्छा बोनसाई प्लांट मिल पाता है। तो इसलिए दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल बोनसाई के तरह दिखने वाला आर्टिफिशियल प्लांट। और दोस्तों, इस प्लांट का हम अनबॉक्सिंग करेंगे और एक छोटा सा गिव अवे करेंगे। तो अगर आपको इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए इसका अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो बॉक्स जिसके अंदर हमारा बोनसाई प्लांट है और इसको मैंने अमेजोन से ख़रीदा है जिसका कीमत मुझे 400 रुपये पड़ा है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा बोनसाई प्लांट है, किस तरह का है और देखने में कैसा है। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने अपना एड्रेस को हाइड कर दिया है, मार्कर से इसे मार्क कर दिया है। तो अगर आपको तकलीफ़ हो रहा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल बॉक्स में ऊपर में कुछ पेपर वर्क किया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो प्लांट जो कि एक और बबल रैप के साथ पैक किया गया है। तो चलिए अब हम इस रैप को भी हटा देते हैं और निकालते हैं अपने प्लांट को। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो प्लांट जो कि मैंने 400 रुपये में अमेजोन से ख़रीदा है। और अगर बात करें इस प्लांट के क्वालिटी के बारे में तो इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप इसके पॉट की तरफ ध्यान देंगे तो लग रहा है कि इसका पॉट लकड़ियों से बना हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी के सभी प्लास्टिक से तैयार किया गया है, लेकिन इसका जो कलर है बिल्कुल लकड़ियों के जैसा है और इसका जो पॉट का डिज़ाइन है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप इस प्लांट के ट्रंक की ओर ध्यान देंगे तो इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल बोनसाई प्लांट की तरह है। जिस तरह से कोई ट्री पुराना हो जाने के बाद हो जाता है, सेम उसी तरह इसका डिज़ाइन किया गया है। लेकिन इसका जो कलर है बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है, थोड़ा सा ये ब्राउनिश होता तो बहुत ही अच्छा होता। और प्लांट में जो कलर है उसका चमक बहुत ही ज़्यादा है, वो चमक ना होता तो बहुत ही अच्छा होता। तो ये थोड़ा सा कमियां हैं। और अगर आप इसके पत्तों की ओर ध्यान देंगे तो इसके पत्तों का जो कलर है बिल्कुल नेचुरल सा है, जिस तरह से किसी प्लांट के पत्तों का कलर होता है सेम उसी तरह से इसका है, ग्रीन ग्रीन है। लेकिन इसमें भी वो कमी है जो कि इसके प्लांट के ट्रंक में है, इसके पत्तों में थोड़ा सा चमक है। अगर ये चमक नहीं होता तो ये बहुत ही अच्छा होता। लेकिन वैसे भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है प्लांट। और इसके सॉइल की ओर अगर ध्यान देंगे तो ये भी आर्टिफिशियल तौर पे तैयार किया गया है, और इसके ऊपर जो घास नज़र आ रहे हैं ये भी आर्टिफिशियल है। तो पूरी तरह से प्लांट आर्टिफिशियल है। तो वैसे तो दोस्तों ये प्लांट केवल 400 रुपये का है, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल की दुनिया में कदम रखेंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे आर्टिफिशियल प्लांट मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल बारीकी से ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया जाता है, किसी भी तरह का कोई कमी नहीं होता है। तो आप अगर चाहें तो उसे ले सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसका गिव अवे के बारे में। तो अगर आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप है जो कि पूरा करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरा है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा इस प्लांट में, क्या बुरा लगा। और चौथा और आखिरी स्टेप यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप ये गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।
तो आज से लगभग 20 दिनों के बाद मैं इसका रिजल्ट निकालूंगा और मैं अपने YouTube कम्युनिटी टैब में इसका रिजल्ट अनाउंस करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।